वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ फवाद हुसैन। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि एक्सलेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक। फिर उसका हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी और फिर कंडीशन हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो पहले कंडीशन था एफेक्टेड फादर था, अब सेकंड कंडीशन अगर एफेक्टेड मदर है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन एंड डॉटर क्या आएंगे, ठीक। तो सेम उसी तरीके से अगर हम देखें तो इसका हम क्या करते हैं, गेमीट्स बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर सेम इसका भी क्या होगा, गेमीट्स बन जाएंगे, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी को देख, इसको इसके साथ क्रॉस करो तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी एक्स कैपिटल ए एंड एक्स स्मॉल ए। फिर इसको इसके साथ कर दो तो एक्स स्मॉल ए एंड वाई आ गया, ठीक। फिर इसको इसके साथ कर दें तो एक्स ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। और फिर इसको इसके साथ तो एक्स स्मॉल ए एंड वाई आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें देखें ये क्या है, ये फीमेल है और ये क्या है, ये भी फीमेल है। तो इन दोनों फीमेल को हम कहते हैं कि दोनों क्या है, नॉर्मल बट कैरियर, ठीक। ये भी कैरियर है, कैरियर क्यों है, क्योंकि एक रिसेसिव जीन यहां पर क्या है, मौजूद है। ये भी कैरियर है और ये क्या है, ये भी कैरियर है, ठीक। तो बोथ डॉटर प्रोड्यूस क्या है, नॉर्मल बट क्या है, कैरियर है। कौन सी कंडीशन में, अगर इफेक्टेड मदर है और नॉर्मल क्या है, फादर है। अब सन की अगर हम बात करें, एक ये सन हुआ एक ये, तो ये क्या है सन और क्या है बोथ, क्या है इफेक्टेड, ठीक। इफेक्टेड है, क्यों इफेक्टेड है, यहां पर इस वजह से इफेक्टेड है कि यहां पर क्या है, एक स्मॉल जीन मौजूद है जो डिजीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल में एक भी जीन हो, रिसेसिव हो, तो क्या होगा, वो फिर एबनॉर्मलिटी शो करता है। इस कंडीशन में देखें कि अगर हमारे पास कैरियर मदर है, ठीक, कैरियर मदर है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, ठीक। क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती हैं, इस पर डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो एमसीक्यूज इस तरह होते हैं कि अगर लेट्स सपोज किसी डिजीज का नाम हेमिफेलिया का या कलर ब्लाइंडनेस का है या डायबिटीज वगैरह है, कि अगर दो नॉर्मल पेरेंट्स हो, दो नॉर्मल पेरेंट्स हो, क्या उसके किसी ऑफस्प्रिंग में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, ठीक। तो उससे पता चलता है अगर मदर कैरियर है तो फिर एबनॉर्मलिटी आएगी, अगर मदर कैरियर नहीं है तो फिर एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। तो इस एमसीक्यूज को देखें जरा, कि इसको अगर हम गेमीट्स बना दें, ठीक, तो गेमीट्स किस तरह आ जाएगी, देखो एक्स ए आ गया, एक्स कैपिटल ए, ठीक, और कैरियर वाला एक्स ए आ गया, ठीक। दूसरे साइड पर गेमीट्स सिंपल बनेंगे कि एक्स ए एंड वाई बन गया, ठीक। तो हमारे पास ये गेमीट्स बन गए। अब देखिए पॉसिबिलिटीज को देखें, तो पॉसिबिलिटी में सबसे पहले इसको इसके साथ अगर क्रॉस करूं तो एक्स ए एंड एक्स ए, ठीक। फिर इसको इसके साथ कर दूं तो एक्स ए एंड वाई, ठीक। अब इसको इसके साथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ए एंड एक्स ए आ गया, ठीक। अब इसको क्या करूं, इसको इसके साथ कर दूं तो एक्स ए एंड वाई आ गया, तो ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ गए, ठीक। तो उसमें जितने भी डॉटर्स हैं, ये भी डॉटर और ये भी डॉटर, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक। ये डॉटर क्या है, होमोजाइगस, ठीक, नॉर्मल। ये भी क्या है, नॉर्मल है लेकिन हेटरोजाइगस है, मतलब क्या है, ये है कैरियर, कैरियर है लेकिन नॉर्मल है। ये इसके जो सन है ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, ठीक। और ये क्या है, ये इसमें आ जाएगा इफेक्टेड आ जाएगा, ठीक। तो हम कहते हैं अगर हम 100% लें तो 100% में 75% जो था वो क्या था, वो नॉर्मल था, और ये क्या आ गया, 25% क्या था, वो इफेक्टेड आ गया, ठीक। 25%
25% इफेक्टेड आ गया और 75% हमारे पास नॉर्मल आ गया, ठीक। तो ये कैरियर की कैटेगरी में। अब आते हैं हम एग्जांपल आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के, कि हमारे पास कौन से एग्जांपल है। तो यहाँ पर दो जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि हेमिफिलिया है और दूसरा आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। तो हेमिफिलिया कौन सी बीमारी है? हम कहते हैं कि वो बीमारी है जिसमें ब्लड स्टॉप नहीं होता, ठीक। जो वो बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो जीन्स है। एक जीन है, ठीक, कहाँ पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है जिसको हम कहते हैं एच, और इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है? स्मॉल एच, ठीक। तो कैपिटल एच ये नॉर्मल जीन है, किसी डिजीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, नॉर्मल होगा। अगर स्मॉल एच रिप्रेजेंट करता है कि जीन फॉर हेमोफिलिया, ये हेमोफिलिया के लिए जीन है स्मॉल, क्योंकि हम रिसेसिव कहानी पढ़ रही है सारी। अब यहां पर हम कहते हैं कि मेल जो होगा वो क्या होगा? वो मोर इफेक्टेड होगा। अब मेल जो है वो किस तरह मोर इफेक्टेड होगा कि इस इधर देखें जरा कि मेल किस तरह मोर इफेक्टेड हो सकता है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक, कि अगर इस तरह के कंबिनेशन आ जाए, देखें कि एक्स वाई ये मेल है, एक्स वाई ये भी क्या है? मेल है। एक्स एक्स ये क्या है? ये फीमेल है, ठीक। अब एबनॉर्मलिटी को देखें, अब हम कहते हैं कि यहां पर अगर एच आया तो ये क्या होगा? ये डिजीज होगा, ठीक, मतलब ये हेमिफिलिया होगा इसका, ठीक। अगर ये एस आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये नॉर्मल होगा। अब फीमेल में देखें, अगर इस तरह आ गया ए और ए तो ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक। अगर एक कैपिटल ए और दूसरा क्या आया? स्मॉल ए, तो ये भी क्या है? नॉर्मल बट कैरियर, ठीक, नॉर्मल बट कैरियर। अगर इस तरह आया स्मॉल एंड स्मॉल तो फिर क्या होगा? फिर डिजीज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेल आर मोर इफेक्टेड क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर एक एच, ठीक, ये जहां पर मैंने ए लिखा है, तो अगर हेमिफिलिया के सेंस में लेते हो तो इस सब को क्या करो? एच लिख दे, ठीक। यहां पर सिर्फ एक रिसेसिव आया तो वो क्या हो गया? डिजीज हो गया। फीमेल में एक आ गया ये, लेकिन डिजीज नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ लेकिन कैरियर हुआ, ठीक। तो फिर वही बात रिपीट हो रही है यहां पर कि फीमेल के लिए दो रिसेसिव होना जरूरी है डिजीज काज करने के लिए, जबकि मेल के लिए एक भी बहुत है, ठीक। एक आ गया तो भी डिजीज काज हो जाएगा। अब देखो इसमें हम कहते हैं कि इसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स हम कहते हैं कि हेमिफिलिया ए है जो हमारे पास 80% होता है, ठीक, और ये क्या होता है? ड्यू टू एबनॉर्मिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो सकती है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास एक फैक्टर 8 होता है, उस फैक्टर में अगर कोई एबनॉर्मिलिटी है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं हेमोफिलिया ए। दूसरा आ जाते हैं हेमोफिलिया बी जो हमारे पास होते हैं 20%, और ये कौन से फैक्टर में एबनॉर्मिलिटी की वजह से होता है? फैक्टर 9 की एबनॉर्मिलिटी की वजह से होता है। अगर जीन एबनॉर्मल हो तो वो क्या होगा? वो फैक्टर 9 जो है, जो प्रोटीन 9 है, वो ठीक नहीं बनाएगा, वो ठीक नहीं बनाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो हेमिफिलिया ए एंड हेमिफिलिया बी रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक, या इनहेरिटेंस। हेमिफिलिया सी भी है, लेकिन ये क्या है? ये रिसेसिव सिक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इस वजह से इसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करते, ठीक। और ये किस वजह से एबनॉर्मिलिटी होती है? ये एबनॉर्मिलिटी होती है फैक्टर 11 की वजह से। अगर उसमें कोई एबनॉर्मिलिटी है तो फिर क्या होता है? जीन सही प्रोटीन नहीं बनाता, सही प्रोटीन नहीं बनाता तो क्लॉटिंग नहीं होता। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है इसका, कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, ठीक, जिसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो रेड एंड ग्रीन कलर है वो डिटेक्ट नहीं होता, वो रेड एंड ग्रीन कलर क्या होता है? वो ग्रे कलर शो होता है, ठीक। इसमें हम कहते हैं कि क्यों, किस वजह से होता है? कि हमारे पास रेड एंड ग्रीन जो सेंसिटिव कौन सेल्स है, ठीक,
कौन सेल्स क्या करता है, कौन सेल्स यहां पर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कलर, ठीक। ये कलर को डिटेक्ट करने वाले सेल्स हैं, ठीक। एक होता है रॉड्स, रॉड क्या करता है, वो जस्ट इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जबकि कॉन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कलर भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर ये सेंसिटिव सेल्स क्या है, वो एब्सेंट हो, कहां पर एब्सेंट हो, रेटिना पे, रेटिना पे अगर ये सेल्स प्रेजेंट ना हो तो फिर क्या होगा, फिर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी, ठीक। मतलब वो बंदा क्या करेगा, वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकेगा रेड एंड ग्रीन में, उसको वो ग्रे कलर ही देखेंगे, क्योंकि रेड एंड ग्रीन का जो डिफ्रेंसिएशन है, जो पैकिंग है, ठीक, तो वो सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है, वो सेल्स ही एब्सेंट है, तो इसकी वजह से कलर डिटेक्शन नहीं हो पा रहा। कंडीशन है डिफरेंट, तो कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये वाला कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है, फीमेल का, लेकिन ये फीमेल जो है तो ये क्या है, ये नॉर्मल है कि अबनॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, लेकिन क्या है, कैरियर, ठीक। और फादर क्या है, फादर यहां पर क्या है, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल फादर एंड नॉर्मल कैरियर। तो फिर वही बात रिपीट हो रही है कि क्या नॉर्मल फादर एंड नॉर्मल मदर के जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कोई ऐसा आ सकता है कि जो डिजीज हो, बीमार हो, ठीक। तो सिंपल वही बात है, उसको फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक्स सी आ गया और दूसरा एक्स स्मॉल सी आ गया, ठीक, यहां पर एक्स कैपिटल सी एंड वाई आ गया, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो एक्स कैपिटल सी एंड एक्स कैपिटल सी नॉर्मल, ठीक, फिर एक्स कैपिटल सी एंड वाई नॉर्मल, फिर एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ये क्या है, ये भी नॉर्मल बट कैरियर, एंड एक्स स्मॉल सी एंड वाई एबनॉर्मल, ठीक। तो अगर कैरियर है तो कैरियर का ओनली जो सन होगा, तो वो ओनली सन क्या होगा, वो एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक, पॉसिबिलिटी है। दूसरा कंडीशन ये है कि नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर मदर, ठीक, क्रॉस विद एफेक्टेड मेल, तो उसमें क्या होगा, देखो एक्स सी एंड एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी एंड वाई, अब ये दोनों अगर क्रॉस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस दोनों के क्रॉस से कि एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ठीक, फिर ये एस के साथ अगर क्रॉस कर दें तो एक्स कैपिटल सी एंड वाई, अब ये एस के साथ तो एक्स स्मॉल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ठीक, अब ये एस के साथ अगर क्रॉस करें तो एक्स सी एंड वाई, ठीक। तो हमारे पास क्या बन गए, हमारे पास ये बन गए 50% क्या है, फीमेल डॉटर, एंड 50% क्या है, वो मेल सन। लेकिन इसमें से ये 50% में से हम कहते हैं कि 25% क्या है, वो नॉर्मल है, एंड 25% क्या है, वो कलर ब्लाइंड है, डिजीज है। सेम यहां पर भी हम क्या कहते हैं कि 25% क्या है, नॉर्मल, एंड 25% क्या है, डिजीज है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक। अब आपके लिए यहां पर एक होमवर्क में देता हूं डिफरेंट कंडीशन का, कि लेट सपोज हमारे पास, हमें ब्लैक में इस तरह का एक कंडीशन आ गया, ठीक, कि अगर एक्स, ठीक, एक्स अगर ये लेट सपोज मैं लिखता हूँ कैपिटल ए और दूसरा मैं लेता हूँ स्मॉल ए, ठीक, कैरियर है, और कैरियर को मैं क्रॉस करता हूँ एक्स ए और वाई के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे, ठीक, तो ये आप खुद सॉल्व करें। दूसरा मैं कहता हूँ कि लेट सपोज अगर ए है, ये भी रिसेसिव है, उसको मैं क्रॉस करूँ इसके साथ, ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, दूसरा कंडीशन है अगर इस तरह मैं कर दूं, क्रॉस कर दूं, ये भी मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक, एफेक्टेड मेल, एफेक्टेड फीमेल एंड इनफेक्टेड मेल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने चाहिए, ठीक। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आप क्या करते हो, उसको क्रॉस करो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा,
ठीक, दोनों अफेक्टेड हैं, एक पर ये नॉर्मल है और दूसरा पर क्या है, अफेक्टेड है। अगर मैं इस तरह करूं कि एक्स नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक, ये डिजीज है, तो फिर क्या होगा? ठीक, तो डिफरेंट क्रॉस है, जितने पॉसिबिलिटी है क्रॉस के, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी आप खुद सॉल्व करें। ठीक, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था तो क्या था, वो था रिसेसिव जीन्स के हवाले से था, और वो जीन्स कहाँ पर लोकेट कर रहा था, वो जीन लोकेट कर रहा था एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कर रहा था। ठीक, अगर वह एक्स क्रोमोसोम है और इसके ऊपर रिसेसिव जीन है, तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती है और कौन कौन से कंडीशन में हो सकती है, तो ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये कैटेगरीज, ठीक, ये हो गया। या इससे पहले हमने जितने भी कंडीशंस डिस्कस किए, तो वो सारे के सारे कंडीशंस क्या है, वो याद रखना एमसीक्यू के लिए। ठीक, एमसीक्यू में फिर आपको स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि कैरियर मदर जो है अगर नॉर्मल फादर के साथ क्या करे, मेटिंग करे, तो उसमें कितने परसेंट सन जो है वो इफेक्टेड होंगे, कितने परसेंट डॉटर इफेक्टेड होंगे। ठीक, तो उस तरीके से डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे।